हेलो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं सनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मगर ये कुछ भी तो किसके लिए कर रही है? सनी को पाने के लिए ना? हाँ, मगर सोचो अगर 10 दिन बाद सनी को तेरा कंकार मिले तो। अरे भैया, किसी ने सुना है एक लड़के की शादी एक कंकार के साथ? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। अगर तू ऐसे ही रही तो कुछ दिनों में तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं। अच्छा, मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं? एक काम कर, किचन में जा और कुछ खा ले। नहीं नहीं, ये तो चोरी होगी। अगर किसी ने देख लिया तो सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मैं सब लोग की नजर में गिर जाऊंगी ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मत कर, वैसे भी तो भूख से खुद ब खुद ही गिर जाएगी। जाना जाऊं? अरे जा, ठीक है, चाहती है कि मैं बर्गर की बात नहीं कर रहा, मैं हरकत की बात कर रहा हूँ। ये क्या हरकत है? सॉरी फॉर व्हाट? बर्गर के लिए कि हरकत के लिए? I'm sorry, अंकल, वो क्या है कि मैं बताता हूँ। वो ये है कि तुम वो नहीं हो जो बनकर हमें बनाने की कोशिश कर रही हो। ये सब नाटक है, राइट? बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? सॉरी अंकल। हाँ सॉरी, अब पता लगेगा जब मैं सनी की माँ से जाकर सब बता दूंगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। बोलो, आगे बोलो। अंकल वो क्या है कि अंकल, मैं और सनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते, हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। अंकल प्लीज, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आपने आंटी को जाके बोल दिया तो हमारी शादी नहीं होगी, और अगर हमारी शादी नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे। अंकल आपको मॉडर्न बहू चाहिए थी ना, इसलिए मैंने। आई एम सॉरी अंकल। ये सब सनी को मालूम है? अरे सनी भी तो मेरे गांव में यही सब कर रहा है। क्या मतलब? मतलब कि मेरे पापा को ना गांव का संस्कारी दमाद चाहिए था। सरकारी दमाद? नहीं, संस्कारी। ओ। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ गांव में संस्कारी दमाद होते हैं, इसलिए सनी गांव का लड़का बनके मेरे पूरे खानदान को पटाने के, स्पेशली मेरे पापा को। मतलब आप लोग आजकल मिशन पटाऊ पे हैं? लेकिन मैं पटने वाला नहीं हूँ। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं पहले ही पट चुका हूँ। क्योंकि मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद है। है तो ये धोखा, लेकिन प्यार मोहब्बत में सब चलता है। चलो बर्गर खा लो, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। और एक चीज और याद रखना, इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो, राइट? वेलकम, खा ले। हेलो, आई एम सॉरी अंकल। खाओ। क्या है, दांतों हैं? हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ तो करें ना, आप देख क्या रहे? हाँ कर रहा हूँ। बात बता, क्या दांतों कहाँ से ली? नहीं, दांतों के अंदर बोरी बड़ी बड़ी है, मुझे पता है। ये बता,
जी तू कुंडली उंडली में विश्वास करता है? हाँ जी करता हूँ, लेकिन पापा जी आप इस उम्र में कुंडली के बारे में क्यों पूछे? आपने बचपन में बनाई नहीं अपनी? ओए खोतिया, मेरी कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मजाक कर रहा जी मैं। बड़ा मजाक कर रहा है तू, मैं तेरी और सिमी की कुंडली की बात कर रहा हूँ, समझा? हमारे यहाँ जब तक कुंडली ना मिले ब्याह नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, कुंडली लाया अपने साथ में? जी नहीं, कुंडली तो लाई ना। कैसे मुँह उठा के चला आया? डोंट माइंड पापा जी, लेकिन कुंडली का मुंह उठाने से गिराने से क्या ताल्लुक? आई मीन ऑनेस्टली, मेरा मुंह है, मैं उसको उठाऊं गिराऊं? मजाक कर रहा था जी। अब मजाक करता तू, अभी ये मुंह से वापस चला जाएगा जी। क्या हो क्या जी, क्यों कहाँ करे जी? जटाधारी बाबा के पास। जटाधारी क्या, कौन है जी जटाधारी बाबा? ओ बड़ा सिद्ध बाबा है। एक हाथ पड़ जाए वारे नारे हो जाते हैं। मतलब हाथ पड़ने का मतलब मैं समझा नहीं। चलो एक आशीर्वाद का हाथ पड़ जाए ना उसका सर पे। अच्छा अच्छा, तो बल्ले बल्ले हो जाती है इंसान की। तेरी बल्ले बल्ले करा दे। हाँ जी बल्ले बल्ले करा। हाँ जा फिर, तैयार हो जा। मैं तैयार हो गया तुझे बाबा जी। जा जितिया, तू आत्मान टैक्टर से बल्ले बल्ले करा लिया थी। धाम धूम धाम गुल 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 किटकार हुडू धाम। आप एक बात बताइए महाराज, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपकी दाढ़ी सफेद है, बाल आपके काले हैं, मतलब इसके पीछे क्या राज है? ओए ये अमिताभ बच्चन के फैन है। अमिताभ बच्चन? ओके आप दिखाओ। लो जी उपाय बताइए महाराज, उपाय बताइए। ओए कुत्ते, पहले हाथ तो देखन दे। महाराज आप हाथ देख भी रहे हैं कि ऐसे आप हूं कर रहे हैं? मुझे लगता नहीं पापा जी हाथ देख रहे हैं। ये तिकाल दृष्टि कौन है? हर तरफ से देख सकते हैं, फिलहाल मन की आंख से देख रहे हैं, समझा? शमशेर सिंह जी महाराज, लड़का होनहार है जी महाराज, भाग्यवान है जी महाराज, धनवान है जी महाराज, अपना मकान है। हाँ मकान है ना जी महाराज, दुकान है। हाँ दुकान भी है जी महाराज, हर तरह से फिट इंसान है जी महाराज, सभी के लिए शैतान है जी महाराज, ये शादी नहीं हो सकती। उपाय बताइए महाराज, उपाय बताइए। खोदते पहले समस्या तो पता लगे। इस पर कर्ज है, उधार लिया किससे? जी मैंने तो कभी लिया नहीं उधार आज तक पापा जी। पिछले जन्म का कर्ज, ये तो जन्मों से कर्ज पे चल रहा है। पापों का कर्ज, कर्मों का कर्ज। उपाय बताइए महाराज, उपाय बताइए। चुप कर, इसके पिछले जन्म के कर्मों के कर्ज इसकी इच्छाओं अभिलाषाओं में बाधा है, इसके विवाह योग में बाधा है। अब पूछ। उपाय बताइए महाराज, उपाय बताइए। ठीक 10:27:27 पर मनहूस गली के चौराहे पर मिलो, उपाय वही बताया जाएगा। महाराज जी एक मिनट, मनहूस गली का चौराहा मतलब ये कौन सी गली होगी? शायद कोई। हे कृष्णा भगवान जी, आपको तो प्यार की वैल्यू पता है ना, प्लीज प्लीज मुझे मेरा सानी दिला दीजिए। प्लीज प्लीज कृष्ण भगवान जी हमारी मदद कीजिए प्लीज। सिम, सॉरी भगवान जी सॉरी। सिम कहाँ हो तुम? अभी आई। ओह माय गॉड, सिम ओह गॉड, अभी आई सिम। क्या है ये, क्या है ये तुम्हारे सर पर पल्लू? वो ये, मैं ये देख, मैं ये देख रही थी कि ये घरेलू बहुएं अपना ऐसा हुलिया बनाकर कैसे खुश रह सकती है ना? नहीं कोई जरूरत नहीं, उतार दो उसे। हाँ जी, वैसे भी उन औरतों की जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती जी। सिम आज रात को मेरी सहेलियां डिनर पर आ रही है, मैं चाहती हूँ खाना तुम तैयार करो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सब तैयार कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ कॉन्टिनेंटल बना देना। हाँ Any problem? मेरे कहने का मतलब ये था, हाँ हाँ हाँ, आपकी सहेलियों को तो कॉन्टिनेंटल खाना ही पसंद होगा ना? Right, so get going. Get going, girl. Uncle. क्या uncle, है? हो गई हाँ, तैयार हो गई, बस लेके आ रहा हूँ। क्या? चाय। अंकल मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ। तो? मैं
किसी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आपको पता है आंटी मेरे कमरे में आई थी। बेटा उनका घर है, किसी भी कमरे में जा सकती है। अंकल मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आंटी मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने कहा कि रात को उनकी कोई सहेली आ रही है और रात का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? खाना बनाना आता है लेकिन कॉन्टिनेंटल खाना नहीं बनाने आता ना। ओ उन्हें कॉन्टिनेंटल खाना खाना है। डोंट वरी मैं हूँ ना। आपको कौन खाएगा? तो मजाक नहीं कर रही? नहीं तू सीरियस है? मैं सीरियस हूँ। तू सीरियसली मजाक कर रही है? मैं सीरियसली मजाक कर रही हूँ। सॉरी सॉरी अंकल, प्लीज मेरे प्रॉब्लम का कोई हल निकालिए। ओके ओके ओके, तेरी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। अगर उन्हें कॉन्टिनेंटल खाना खाना है तो हम उन्हें कॉन्टिनेंटल खाना खिलाएंगे। जी बाबा जी। तू नहीं मूर्ख, शमशेर पुत्र। जी बाबा जी। सुनो पाए। हो गया। फल रख निरंजन। जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं जी जी अब सिमरन मेरी हक का तारा है। हाँ। वो कहते हैं तेरा एक तारा सिमरन के तारा के मुकाबले तेरा कमजोर है। पापा जी आप मुझे कहो ना तो मैं आसमान के सारे तारे तोड़ के सिमरन के कदम में रख दूं। पर ना पुत्र वो दी लोड़ नहीं है, बड़ा सरल सा उपाय है। जी जी देख जी हाँ जी बिल्कुल। वो मजनू का टीला है। अच्छा इतने आशिक दिया जलाते हैं। अच्छा टिमटिमा रही है रोशनी। हाँ जी हाँ जी। मतलब केक काटे के भाई असली घी कम है पुत्र। इससे पहले कि दिया बुझ जाए के डाल आएगा ना। हाँ जी तो तेरा तारा मजबूत हो जाएगा। मतलब ऐसा करने से सिमी मुझको मिल जाएगी? 100% पुत्र 100%। आओ मैं टेक ऑफ करने कहूंगा तुझे। हां बाबा जी मैं। हां आप बोलो। हां जी रेडी? हां जी हां जी। 1 ओके 2 ओके 3 टेक ऑफ। ओके कबूतर जा कबूतर जा। पापा जी अरे बन जा। तो कितना आ गया तू? मैजिक वैसे पापा जी ठीक थी ना? गुड मैजिक। चल चलो जी तेरे 100 रुपए मिल जाएंगे पहले। अंकल आप कहां रह गए थे? वो लोग आ गए हैं। अरे भाई मैं भी तो आ गया हूँ। मगर इतना टाइम क्यों लगाया आपने? अरे इस उम्र में खिड़की में से कूदने में टाइम तो लगता है ना। अब बातें मत करो, फटाफट खाना लगाओ वरना वो हिटलर है ना तुझे मुझे कच्चा खा जाएगी। अंकल आप मुझे एक बात बता सकते हैं? बोलो। आप आंटी से इतना डरते क्यों हैं? क्यों तुम नहीं डरती? मैं तो डरती हूँ क्योंकि वो मेरी होने वाली सास है, मगर आप तो उनके पति हूँ। यही ना, मैं उससे डरता नहीं हूँ, उससे प्यार करता हूँ। और सिम बेटा जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उन्हें निभाना बड़ा मुश्किल, और मैंने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं रिश्ते निभा रहा हूँ बिकॉज आई लव हर। सो स्वीट। लेकिन सॉरी अंकल, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपको सीरियस कर दूँ। बेटा अगर हमने खाना नहीं लगाया ना तो हम दोनों सीरियसली ICU में पहुंच जाएंगे। फटाफट खाना लगाओ। Simply delicious, so tasty. किसने बनाया ये? मैंने बनाया, मैंने बनाया। अच्छा लगा? खाओ खाओ, खाओ समो। सिमी, अच्छा बना। बहुत मजा आया डॉल, बहुत मजा आया। Well, doll, the dinner was very delicious. Oh, thank you so much. Sim is a perfect daughter-in-law. होने वाली। हो ही गई समझो। तू इतनी बेवकूफ तो नहीं है डॉली जो ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगी? क्यों? लगता तो है, let's see. चलो bye dear. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Thank you for bye. Oh, बाबा बाहर चल, बाहर चल। मैं लेके आती हूँ। मुझे खाना आटा पानी चावल कुछ नहीं चाहिए, मैं सनी हूँ माँ जी। ओए ओए, तो फिर से सनी है? अब ये हाल किस का है तेरा? आपके महान पति देव ने, मेरे ससुर जी ने कहा है। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? तो गुस्से में ना बेटा। हाँ तो गुस्सा तो आएगा, काम ही उन्हें ऐसे किया गुस्से वाला। ओ हाँ, वैसे तो गुस्से में भी तू उनका क्या बिगाड़ लेगा। जा वो बैठे कोने में, उधर जा जा। ससुर जी क्या बात है, यहाँ पर बैठकर आप सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं और मेरा आपने बना दिया रॉकेट। जालिम, निर्दयी, बेरहम, पहचान मुझे
सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से। मजनू का ठेला, आशिकों की मजार, पूरे कपड़े फाड़ दिए मेरे, मेरे पूरे मुंह पे डीजल लगा दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा। आ गया तू, आ गया, आ जा। जी पापा जी। डाला है के मजनू के टीले पे? उसी कैसे डालता जी, क्यों? दुनिया बदल गई, तारे बदल गए जी, लेकिन वो मजनू का टीला मेरे हाथ में नहीं आया। वो कैसे आता? वो तो ट्रक की बत्ती थी। अच्छा? आपको पता नहीं, शायद नहीं पता, गलती हो जाती जी, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा हुआ ट्रक रुक गया 20 किलोमीटर के बाद, वरना मैं तो उसके पीछे पीछे भागता रहता ना जी। तो कोई बात नहीं पापा जी, आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ, आराम से भेज दो जी, मैं आता हूँ। ट्रक रुक कैसे गया 20 किलोमीटर बाद? जीते दिल नहीं माना बाबू जी, मैं ट्रक नहीं रोकता तो वो भी नहीं रुकता, इस तरह तो दम ही निकल जाना था बाबू जी उसका। अच्छा भाई, दम भी नहीं निकलना था और 2-4 किलोमीटर दौड़ के रुक जाना था उसने? नहीं बाबू जी, उसने नहीं रुकना था, उसने जान दे देनी थी मगर रुकना नहीं था बाबू जी उसने। बाबू जी एक बात बोलूँ, मुंडा बहुत चंगा है बाबू जी, बहुत प्यार करता है अपनी सिमी ने, अपनी सिमी के लिए से अच्छा मुंडा हो ही नहीं सकता बाबू जी। क्या सोच रहे जी आप? अबे मैं सोच रहा था कि सिमी की पसंद बुरी नहीं है, लड़का ठीक ठाक ही है। और नहीं तो क्या, नहीं तो जो हाल आपने बताया ना, और कोई लड़का होता तो भाग खड़ा होता कब का। क्या करता पागा वाली, मेरी मजबूरी थी भाई, मैं अपनी सिमी के लिए खरा सोना चाहता था, और जब तक सोना आग में तपता नहीं उसकी शुद्धता का पता ही नहीं चलता। इसका मतलब मैं इसको आपकी हाँ समझू? हाँ भाई हाँ ही समझ ले, लड़का पला है, मेहनती है, पर सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है, शहर में रहते हुए भी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं उसे अपनी कुलदेवी के मंदिर ले जा सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल ले जा, बल्कि आज ही ले जा। ठीक है। मिश्री जी डलिए। Darling, oh my doll. Yes, Hansi. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, इतने प्यार से बात कर रही हो? क्या बात है डार्लिंग, आज खुश तो बहुत लग रही हो। खुश तो मैं हूँ। अरे मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन इस खुशी की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है। मैं जानता हूँ इसकी वजह है सिम, है ना? हो सकता है। भाई सिम तुम्हें कैसी लगती है? ठीक है। मुझे तो सिम बहुत अच्छी लगती है। नहीं? हाँ बहुत अच्छी है। और हमारे सनी के लिए सिम कैसी है? ओके। भाई अपने सनी के लिए तो सिम मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। नहीं? हाँ बहुत 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 अच्छी है। इसका मतलब सनी और सिम की शादी से तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? ये मैंने कब कहा? देखो डार्लिंग, मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि सनी और सिम की शादी से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सिम एक अच्छी लड़की है, सनी के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, और इस शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है। वेरी गुड। What?